बालाघाट जिले में एक विभागीय कर्मचारी करंट की चपेट में आने से झुलस गया। दरअसल पीडब्ल्यूडी कार्यालय के टाइमकीपर ईश्वर प्रसाद गौतम ने अपने घर की साफ सफाई के लिए विभागीय कर्मचारियों को लगा रखा था। इस दौरान घर की छत पर रखा सरिया 11 केवी की हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिसकी चपेट में आने से पीडब्ल्यूडी कर्मचारी नीतलाल बुरी तरह झुलस गया। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर मामले में टाइमकीपर विभागीय कर्मचारियों से घर की साफ सफाई कराने के सवाल से इनकार करता रहा। वो नेत्रम भाऊ, नेत्रम भाऊ, हाँ नेत्रम है। ये क्या है उड़ादना के, वो कहाँ काम करता है? वो भी जी डब्ल्यू में काम करता है। गौतम बाबू कौन है? गौतम बाबू टाइम पीपर है। टाइम पीपर है, हाँ। तो वो मकान में क्या कर रहे थे आप लोग? पता ही कर रहे थे। तो गौतम बाबू ने बुलाया था आपको? हाँ पोता ने बुलाया। तो कब से, कितने दिन से पोताई कर रहे हैं? दो चार दिन हो गया। तो आप तो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी को घर में कैसे पोताई कर रहे थे? जहाँ काम बताए वहीं करे भैया। ये हादसा कैसे हुआ? हादसा नहीं, वो लोहे के रॉड निकाल रहा था। कहाँ पे निकाल रहा था? वो बिल्डिंग पे। कौन सी बिल्डिंग में? राजा मेडिकल। राजा मेडिकल, हाँ। फिर ये कैसे उसको निकालते निकालते पता नहीं उसको कैसे करने लग, 11 केवी का वो है ना। अब ये एक पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी है, फिर ऐसे घर में हाँ। कैसे काम कर रहे थे? नहीं, वो निकाल रहा था बस। वो आपका घर था वो? हाँ।